आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और आप देख रहे हैं माउंटेन के पार्ट टू, यानी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे माउंटेन पार्ट वन, जिसमें हम लोगों ने फोल्डेड माउंटेन तक की चर्चा की थी कि मुड़दार पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होती है। लेकिन अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्लॉक माउंटेन की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्लॉक माउंटेन को खंड पर्वत कहते हैं, यानी भ्रंशोध पर्वत कहते हैं दोस्तों। तो चूंकि उसे खंड पर्वत या भ्रंशोध पर्वत या ब्लॉक माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स पाए जाते हैं। जैसे देखिएगा, ब्लॉक एक है, ये दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक है, चौथा ब्लॉक है, यानी अलग अलग ये टुकड़ों में बटा हुआ है, अलग अलग खंडों में बटा हुआ है। इसलिए वैसा कोई पर्वत जो अलग अलग खंडों में बटने के बावजूद अगर उसकी हाइट सी लेवल से कम 600 मीटर्स हो जाए और उसकी हाइट ऊपर का जो शेप है वो नुकीला हो जाए, उसका बेस चौड़ा हो जाए, तो वह भी पर्वत कहलाएगा। लेकिन इस तरह के ब्लॉक्स की वजह से बना हुआ है, वैसे माउंटेन को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो ये ब्लॉक माउंटेन है। अब ये बना कैसे है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखिएगा कि ये हमारा प्लेट है, ये हमारा भूखंड है, और जब इस भूखंड पर इधर फोर्स टेंशन फोर्सेज लग रहा है और इधर भी टेंशन फोर्सेज लग रहा है, यानी दोनों तरफ से देख रहे हैं कि ये फोर्स इधर खींच रहा है और दूसरा फोर्स इधर खींच रहा है। यानी जब किसी वस्तु में टेंशन फोर्स काम करता है तो निश्चित रूप से वो अलग होता है। तो यहाँ भी टेंशन फोर्सेस काम कर रहे हैं और यहाँ भी टेंशन फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो इस टेंशन फोर्सेस के दौरान एक वर्टिकल फोर्स भी काम कर रहा है। उस स्थिति में यह जो प्लेट है इसमें दरारें पड़ जाती हैं और ये दरार पड़ने के बाद यह जो भाग है बीच का यह ऊपर उठने लगता है। और एक इसमें ऐसा आता है कि यह ऊपर उठकर 600 मीटर्स का अगर वह हाइट कम से कम ले लिया, वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये ऊपर उठता चला जाता है। जब ये ऊपर उठता है तो इस तरह से ये हमारा खंड पर्वत बनता है और यह जो निचला भाग है, जो घाटी बन गई, ऐसी घाटी को हम लोग कहते हैं रिफ्ट वैली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे रिफ्ट वैली कहा जाता है। तो यहाँ पर रिफ्ट वैली बन गई, ये ब्लॉक माउंटेन बन गया। अब जैसा कि आप देखिएगा कि विश्व में जो भी खंड पर्वत है, चाहे वह जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट हो, यानी ब्लैक फॉरेस्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, तो चाहे वह ब्लैक फॉरेस्ट हो जर्मनी का, या फ्रांस का वासजेज हो, या माउंट हर्ट्ज हो, तो वासजेज हर्ट्ज ये भी जो है आपका खंड पर्वत का उदाहरण है। उसी तरीका से अगर चले जाइए आप मेक्सिको में तो सियरा माद्रे, सियरा नेवादा, ये जो पर्वतें हैं वहाँ भी ब्लॉक माउंटेन है। उसी तरीका से अगर आप पाकिस्तान में चले जाइए तो साल्ट रेंज है, नमक का पहाड़ है, वास्तव में इसी तरह के वो एग्जाम्पल है, इसी तरह के ब्लॉक माउंटेन है। और अगर पुराने समय में अगर देखेंगे हमारे इंडिया में, तो हमारे पुराने समय इंडिया में इसी तरह के पर्वतों का निर्माण हुआ था, जिसमें विंध्यन पर्वत, सतपुरा पर्वत, अजंता पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब के सब जो पर्वत हैं, ये उनका निर्माण उसी तरीका से खंड पर्वतों के अंतर्गत हुआ था। ये अलग बात है कि वर्तमान में विंध्यन पर्वत हो, या सतपुरा पर्वत हो, या अजंता पर्वत हो, या पश्चिमी घाट हो, या पूर्वी घाट हो, खंड पर्वतों के श्रेणी में आने के बावजूद आज इनकी हाइट कम हो गई है। इसलिए ये सभी आजकल रेसिडुअल माउंटेन हो गए हैं, घर्षित पर्वत का रूप ले चुके हैं, यानी विंध्यन, सतपुरा, अजंता, ये सब के सब जो है अब अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। अवशिष्ट यानी रेसिडुअल माउंटेन के एग्जांपल्स में आते हैं। तो आपने देखा कि यह ब्लॉक माउंटेन। अब आप देखिए कि किस तरह से संचयित पर्वतों का निर्माण होता है, किस तरह से ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वोल्केनिक माउंटेन का निर्माण कैसे होता है। लेकिन आपने देखा अभी इस खंड पर्वतों के बारे में, अभी हम लोग तुरंत देख रहे हैं कि वोल्केनिक माउंटेन का निर्माण कैसे हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यह आपके सामने ज्वालामुखी पर्वत है, वोल्केनिक माउंटेन है। अब इस वोल्केनिक माउंटेन की ओरिजिन कैसे हुई है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जमीन के अंदर जैसे जैसे हाइट गहराई बढ़ती है, जमीन के नीचे जैसे जैसे आप जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। यानी हम जानते हैं कि जमीन के नीचे प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, और जब हम लोग 500 किलोमीटर की गहराई में आते हैं तो एक अनुमान के अनुसार वहाँ का टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि चट्टाने जो होती है वह 1150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पिघल जाती हैं, पिघल कर उबलने लगती हैं, खोलने लगती हैं। तो उस स्थिति में जमीन के अंदर पिघली हुई चट्टाने हैं वह बिल्कुल
इस तरह से मैग्मा बन चुकी हैं, यानी पिघली हुई चट्टानों को हम लोग क्या कहते हैं, पिघली हुई चट्टानों को हम लोग मैग्मा के नाम से जानते हैं। तो ये जो है कि यह मैग्मा बन चुका है, यानी कि यहाँ की चट्टानें क्या हो चुकी हैं, ये मैग्मा बन चुकी हैं जमीन के नीचे। अब यह जो मैग्मा है यह लगातार खोल रहा है, उबल रहा है। तो इसी दौरान जब ये लगातार खोल रहा है, उबल रहा है, तो खोलने और उबलने के दौरान एक एनर्जी डेवलप करती है, यही एनर्जी ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करती है। अब इस एनर्जी के साथ अंदर का जो पिघला हुआ मैग्मा है वो भी सरफेस के ऊपर आता है। ये हमारा वास्तव में क्या था, ये हमारा प्लेट है, ये भूखंड है, ये धरातल है, सरफेस है। और इस सरफेस पर अंदर का जो मैग्मा ऊपर आता है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि अंदर का जो मैग्मा है ये जब ऊपर आता है तो ऊपर आने के बाद वह धीरे धीरे फिर नीचे गिरने लगता है और इस प्लेट पर वह जमा हो जाता है। और जमा होने के बाद इस तरह से एक कोनिकल शेप ले लेता है, एक तरह से एक शंकुआकार आकृति धारण कर लेता है। ऐसी आकृति को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, क्योंकि इसकी ओरिजिन ज्वालामुखी क्रियाओं के अंतर्गत हुई है, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के अंतर्गत हुई है, इसलिए ऐसे पर्वतों को ज्वालामुखी पर्वतों के नाम से जानते हैं। अब इन ज्वालामुखी पर्वतों के शीर्ष पर आप देख सकते हैं कि यह जो एक कटोरा की तरह गड्ढा बन जाता है, यानी ज्वालामुखी पर्वतों के सबसे टॉप पर कटोरा के समान एक गड्ढा बन जाता है। वह गड्ढा चूंकि ज्वालामुखी में होता है तो ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत छोटा होता है, वह आधा किलोमीटर एक किलोमीटर के दायरे तक होता है, इतना वो बड़ा होता है। तो वह जो कटोरा सदृश गड्ढा होता है, बेसिन होती है, उसको क्रेटर कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसको क्रेटर कहते हैं। और जब इस क्रेटर में पानी भर जाता है तो वह एक झील का रूप ले लेता है, जिसको क्रेटर झील कहते हैं। जैसे आप साउथ अमेरिका में जाइएगा, बोलिविया और पेरू की सीमा पर, तो वहाँ एक क्रेटर झील मिलेगा जिसका नाम है लेक टिटिकाका। जिसका नाम क्या मिलेगा, लेक टिटिकाका, यानी टिटिकाका झील जो है वह संसार का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्रेटर झील है। और उस क्रेटर झील में नौगम्य होता है, नौकायान होता है, उसमें नाव चलाई जाती है। तो संसार की वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है, जो एक क्रेटर झील का उदाहरण है। तो हमने देखा कि ज्वालामुखी पर्वतों के टॉप पर इस तरह के क्रेटर्स का निर्माण हो जाता है, इस तरह से आपको क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। और यह जो पर्वत बना, इसी पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अब जैसा कि अगर यह क्रेटर है, क्रेटर का आकार बहुत बड़ा हो जाए तो उसको कालडेरा कहते हैं, यानी कि पहले से क्रेटर बना हुआ है, फिर से यहाँ से वोल्केनिक इरप्शंस हुआ और वह क्रेटर उड़ गया, उड़ने के बाद उसका आकार बड़ा हो गया, तो वह आपको कालडेरा कहलाता है। और जब उस कालडेरा में पानी भर जाता है तब वह कालडेरा झील कहलाता है। जैसा कि इंडोनेशिया में जाइएगा लेक तोबा, तो लेक तोबा जो है वह संसार का सबसे बड़ा कालडेरा झील है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा बहुत सारी ऐसी आकृतियाँ बनती है, लेकिन इस तरह की जब शंकुआकार आकृति बनती है तो उसको पर्वत कहते हैं, क्योंकि अगर इसकी हाइट सी लेवल से कम 600 मीटर हो चुकी है और इसका शीर्ष नुकीला है, आधार चौड़ा है, तो वह ज्वालामुखी पर्वत कहलाएगा। जैसे देखिएगा इसके जो उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं कि इक्वेडोर में आप माउंट कोटोपैक्सी, माउंट चिम्बरोजो, माउंट एकांकागुआ आपको दक्षिण अमेरिका में है। उसी तरीका से हवाईयन आइलैंड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा मोनालुआ, माउंट मोनाकी, माउंट किलुआ। उसी तरीका से आप जाइएगा इटली में तो इटली में माउंट विसुवियस मिलेगा। उसी तरीका से जापान में जाएंगे तो माउंट फ्यूजियामा मिलेगा, माउंट फ्यूजी मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के ज्वालामुखी पर्वतों का। तो हमने देखा कि पहले हम लोग वीडियो में हमने देखा पार्ट वन में माउंटेन के फोल्डेड माउंटेन, अब पार्ट टू के इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन, और जो तीसरा है उसका नाम है रिसीडुअल माउंटेन, यानी अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण बिल्कुल आसान होता है। ये जो भी आपने देखा ब्लॉक माउंटेन या फिर आप सॉरी ये आपने देखा ब्लॉक माउंटेन या आपने देखा वोल्केनिक माउंटेन, ये ज्वालामुखी पर्वत, तो चाहे वह आपका फोल्डेड माउंटेन फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था, इन तीनों पर्वतों की उत्पत्ति इंटरनल फोर्सेस से होती है। लेकिन जो चौथा पर्वत होता है जिसको रिसीडुअल माउंटेन कहते हैं, उस रिसीडुअल माउंटेन की जो ओरिजिन होती है वह होती है एक्सटर्नल फोर्सेस से। जैसे कि यह पहले से बना हुआ है कोई माउंटेन, आपने देखा ये ज्वालामुखी पर्वत पहले से बना हुआ है, लेकिन इस ज्वालामुखी पर्वत पर जब
एक्सटर्नल एजेंट्स काम करता है, जब बाह्य कारक अपना प्रभाव डालने लगती है, जैसे हवाएं चलती हैं या बारिश होती है, आंधी तूफान आती हैं या ग्लेशियर का प्रभाव पड़ता है, तो धीरे धीरे यह पहाड़ जो है वह कटने लगता है, कटने छटने लगता है, उसका वेदरिंग एंड इरोजन होने लगता है, अपक्षय और अपरदन होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि यह जो पर्वत है जो इतना ऊंचा था, धीरे धीरे इसकी हाइट जो है वह कम हो गई, और कम होने के बाद इसकी हाइट केवल इतनी बच गई। अब इसकी हाइट केवल इतनी बच गई है, यानी जो पहले पर्वत यहाँ तक था, इतना ऊंचा था, लेकिन इसकी हाइट इतनी कट गई है, यानी कि पहले के पर्वत का यह एक अवशेष बच गया है। जो पर्वत पहले इतना ऊंचा हुआ करता था, अब इसकी हाइट कम हो गई है। चाहे कोई भी पर्वत हो, अगर वह समय के साथ साथ धीरे धीरे कट गया, तो इस पर्वत का ये एकमात्र अवशेष बच गया है। इसलिए ऐसे पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। इस तरह से ऐसे पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत या प्राचीन पर्वत के नाम से जानते हैं। जैसे देखिएगा कि हमारे देश में अरावली पर्वत है, वह अरावली पर्वत वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, लेकिन प्री कैम्ब्रियन युग में जब अरावली का निर्माण हुआ था, तो उस समय वह हिमालय पर्वत से 3 गुना ऊंचा था। यानी अरावली पर्वत जो थी वह हिमालय से 3 गुना ऊंची थी जिस समय उसका निर्माण हुआ था। लेकिन आज के समय में अरावली पर्वत की हाइट काफ़ी कम हो गई है, और उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में है, उसकी हाइट मात्र 1722 मीटर रह गई है। तो हम देखते हैं कि अरावली जो कभी लगभग 25,000 मीटर हुआ करती थी, उसकी हाइट मात्र 1722 मीटर रह गई है, यानी वह अपने पूर्व के वह ऊंचाई का मात्र अवशेष बचा हुआ है। उसी तरीका से आप देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो अपलेशियन पर्वत जो कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, उसी तरीका से यूरोप और एशिया में जाएंगे तो वहाँ आपको यूराल पर्वत मिलेगा जो कि उसकी सीमा पर है, वह भी अवशिष्ट पर्वत है। अगर आप जाएंगे साउथ अफ्रीका में, वहाँ ड्रेकेंसबर्ग पर्वत मिलेगा, वह ड्रेकेंसबर्ग पर्वत भी एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि बहुत सारे अवशिष्ट पर्वत है। फिर मैंने बातें की पश्चिमी घाट की, वह भी अवशिष्ट पर्वत है। फिर विंध्यन, सतपुरा, अजंता, राजमहल, पूर्वी घाट, तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये सब के सब रेसिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। तो आपने दोस्तों देखा कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, पर्वतों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनकी ओरिजिन कैसे होती है, कौन पर्वत कहां पर स्थित है। तो यकीन है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एक खास इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।